यार यूनिवर्सिटी में हमें ऐसे लेके जाने नहीं देते, इसलिए हमने जो है ना ये बुके जो है वो है जी बैग में रखा, और अब इसकी जिप जिप बंद करके डन। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी है मेरी YouTube फैमिली, भी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे गायब हो जाती है, दो तीन दिन ब्लॉग डालती है उसके बाद गायब हो जाती है। यार बस रूटीन ऐसी बनी हुई है यूनिवर्सिटी की, मैं कहती कि किसी दिन आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी कि क्या मेरी रूटीन जा रही है। फिर उस रूटीन को देखते हुए ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं करता कि मैं जो ना कोई ब्लॉग बनाऊँ। खैर फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक दो ब्लॉग जो होता है ना वीक में एक दफ़ा डाल देती हूँ, बट बस गुजारा गुजारा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये सब कुछ तो हम बाद में डिस्कस करते ही रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम टू लाइव व्लॉग, वेलकम टू अ सुपर ब्यूटीफुल डे। तो यार आप लोगों को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मेरा व्लॉग आज किस चीज़ के बारे में है। उस चीज़ के लिए तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, और तो और मेरी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यार हमारी फेवरेट मैम का बर्थडे है। तो हमने सोचा है, जो प्लानिंग की हुई है उस हिसाब से तो लग रहा है कि आज का दिन मतलब बहुत अच्छा जाएगा। और जो है ना मैं कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि हमने जो उनको सरप्राइज़ देना है ना, तो वो हम कैसे देंगे, हमने कोई प्लान नहीं किया। बट कोई बात नहीं यार, हम वहाँ पे जाके देख लेंगे, लेजेंड्स लोग हैं, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकल ही आएगा, सही है ना। तो अभी चलते हैं, जाके हम रेडी होते हैं, फिर जो है ना यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। तो जी यहाँ पर हो गई हूँ मैं फुल रेडी। हमने सोचा था कि आज हमें स्क्रब नहीं पहनना, हम स्क्रब पहन पहन के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो आज हमें स्क्रब नहीं पहनना। आज मेरी ये लुक है जो आप लोगों के सामने है। और जी आजी आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फेवरेट मैम का बर्थडे है, और दिल कर रहा है कि बस जल्दी जल्दी से मैम को सरप्राइज़ दें, और जो हमने प्लान किया वो अच्छे अच्छे से हो जाए। यहाँ पर जो है हम यूनिवर्सिटी आ गए, और जो है मेरी एक दोस्त भी मिसेस आओ भी आ गए। और तो यार अभी हम बैठ के जो है ना अपनी बाकी फ्रेंड्स का वेट करते हैं, फिर वो आते हैं तो हम मैम के पास चलते हैं और उनको जाके जो है ना जो हमने केक वगैरह लिया उनसे कट करवाते हैं और उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारा कोई काम और जल्दी ना है साले का खोपड़ी तोड़ साले का ना ना। और अब जब हमने केक मंगवाना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये है कि यूनिवर्सिटी में केक और फ्लावर्स नहीं आ सकते, और फूड पांडा भाई साहब हमारी बात ही नहीं सुनना। और अभी टाइम हो गया 1 और 2 बजे तक हमारी भी क्लास है, और नेट भी नहीं चल रहा। जी अभी हम लोग आए हैं फ्लावर शॉप पर मैम के लिए बुके लेने, ताकि इसको हम लोग जो है ना डेकोर करना, तो आपको दिखाएंगे कैसे इसको डेकोर करना है। बाकी हम अभी केक का ऑर्डर देना, और केक जो है ना पता नहीं कब तक उसका ऑर्डर दिया जाता है। तो यार हमारा बुका जो है ना वहाँ पर बन रहा है, और गजरे इनको हमने बोल दिया, ये लोग जो है ना वो गजरे भी बना देंगे, बुका और गजरे लेके फिर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, केक का ऑर्डर जो है ना सेंड कर रहे हैं। तो यार यूनिवर्सिटी में हमें ऐसे लेके जाने नहीं देते, इसलिए हमने जो है ना ये बुके जो है वो है जी बैग में रखा, और अब इसकी जिप बंद करके डन। सो जी हम जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जी, और यूनिवर्सिटी के अंदर आकर लेजेंड्स, मिशन 1 इज कंप्लीट। क्या हम सर्जिंग कैंडल्स और चॉपस्टिक ले लिए, जिसके ऊपर कार्ड एडजस्ट करना, और ये बर्थडे के लिए वैसे कार्ड देख रहे हैं, देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो यार हमारे पास ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमने सोचा कि अभी ये जाके ना अपनी फ्रेंड्स को दे देते हैं, फिर दोबारा आएंगे और जो रह गया वो सब कुछ लेते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा डेकोर वगैरह करेंगे, फिर जो है मैम के पास चलेंगे उनको सरप्राइज देंगे। यार यहाँ पे हमें चॉकलेट्स ले ली हैं, और यूनिवर्सिटी वाले हमें लूट रहे हैं, ये 4 चॉकलेट उन्होंने 1000 के दिए हैं, तोबा। तो जी अब हमें कहीं से नहीं मिल रहा, फूड पांडा भी नहीं हो रहा, तो अब हम ऑडी आए हैं, यहाँ से डोनट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ देख लेते हैं मैम के लिए। यार कुछ बनाओ मुझे, ये दिखाओ मुझे केक, वो दिखाओ क्या। ओके सब कुछ डन है, अब सबका पड़ गई है कि हम लोग अपनी वीडियो बना लें। कोई बात नहीं जाने दो। तो यार अभी हम लोग चलते हैं, मैम को ये बुके वगैरह देते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं, देखते हैं उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। हम में से किसी ने भी जो है ना मैम को विश नहीं किया हुआ, अब जाके मैम को विश करेंगे, अब जाके देखते हैं।
मैम को देते हैं सरप्राइज, देखते हैं ना। हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट ये हो गया कि मैम है नहीं, हम इधर अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छी बात है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैम ये मेरा प्यार है, ये हमने स्पेशल आपके लिए केक मंगवाया। डियर मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार मैम को विश करने के बाद जो है ना, हम लोग जा रहे हैं अपना मैथ का लेक्चर लेने के लिए, उधर हमारा क्विज़ वो देते हैं, और ये लोग मेरे ऊपर तजर्बे करते हुए नहीं, बंदा कोई फ्लावर लगाते लगा के रहे। नहीं बंदा फ्लावर लगाते तो पता भी चलता लगाया क्या है। देखो यार क्या है यार, बट कोई बात नहीं यार, लुकिंग प्रीटी। जी अब हमें जो है ना बड़ी मुश्किलों से क्लास मिली, अब हम यहाँ पे बैठ के जो है ना थोड़ी पेज पूजा करते हैं। यहाँ पर जो है ना क्विज स्टार्ट होने वाला है, और हमने भी एक पेज मांग लिया है क्विज करने के लिए। वो तो शूट लेके आई है, वाह एक मुझे भी दो ना। मैंने भी फाड़ के दिया, मैं मंगती इससे भी मांगने लग गई हूँ। मुझे भी वाह शीट मिली। तो भाई अभी जो है ना कोई स्टार्ट होने लगा, और उससे पहले जो है ना हम अपनी शीट मेंटेन करते हैं। यार इनका लेक्चर बंद कराओ बस, थक गए अब हम। तो जी इस टाइम जो है ना हम यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं, मगरिब की अजान हो रही है, हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा है, और इतना के थक गए हैं ना कि बस अब हो रहा है कि फटाफट घर जाएं और भूख लगी है खाना खाएं और फ्रेश हों। इस टाइम जो है ना मैं घर पहुंच गई हूँ, अब जो है ऊपर जाते थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर जो है कुछ खाते हैं, रेस्ट करते हैं। जब आप घर में थके हुए आओ और आके जब आपको इतनी मज़े की चीज़ नज़र आती है, तो आप लोगों की भूख और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यार आज मामा ने घर में बनाया हुआ था ये ब्रोस्ट, जो उन्होंने खुद कुक किया, और वो ये बहुत यमी है, बहुत ज़्यादा यमी। साथ जो इसके ये जो पोटैटोस हैं ना, जो जिनको मसाला वगैरह लगाए, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। साथ ये फ्राइज, मसाला भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, ये हम खाते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं कैसे बने, आप लोग भी इंजॉय करेगा। और साथ ये राइस, हाय 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 मम्मा चस्से करा दिया। कोक भी मंगा लेनी थी भाई। यार आज लग रहा है कि हमारी दावत है घर में। दावत जो भी है दावत तो है ना। तो यार अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, बस अब फटाफट जो है ना खाना खाते हैं, और जो है ना अपने टमी को जो है वो खुश करते हैं। तो भी मेरे भाई आए हुए थे अमेरिका से, मैं उस चीज़ का व्लॉग नहीं बना सकी कि वो पाकिस्तान आए हैं। अब वो जो है ना रहीमिया खान जा रहे हैं हमारे घर से, तो उनको सी ऑफ करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो भाई अभी ये ना ये लोग जा रहे हैं। ओके ओके तो जी हम यहाँ पर आए हैं इनको सी ऑफ करने के लिए टर्मिनल पर। ये लो लाहौर से रहीमिया खान जा रहे हैं, भाई ने अपने घर वालों को नहीं बताया, उनको सरप्राइज देना है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट किए इन्होंने। आज जो है ना मैं सही वाला थक गई हूँ, इतना कोई बिजी डे था ना कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी कॉफ़ी पी जाए, और साथ में ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, इतना का प्यारा मौसम हो गया ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, और साथ ये कॉफ़ियाँ, हाँ मज़ा आ जाता है। तो यार अब हम ये ज़रा इंजॉय करते हैं, आप लोग मेरा व्लॉग इंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।